एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और एज यू नो आई एम अ बाइक लवर, और वैसे मैं जो हूँ टिपिकल डुकाटी फैन हूँ, लेकिन क्योंकि इस और बेनेली है, उन्होंने भी रिसेंटली नई बाइक लॉन्च करी, उसका नाम है लियांचिनो 500, तो मैंने सोचा कि एक बार उसकी टेस्ट राइड ले ली जाए, और उसके बाद डुकाटी स्क्रैम्बलर जो है उसमें से, और जो बेनेली लियांचिनो 500 है उसमें से कौन सी बाइक है जो मेरे लिए बेटर रहेगी, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी बाइक मुझे लेनी है। और अभी हम आए हुए हैं दिल्ली शोरूम उदयपुर में, और एक बार हम लेते हैं बाइक की टेस्ट ड्राइव, और उसके बाद डिसाइड करते हैं। और एक बार मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड भी दिखा देता हूँ कि बाइक एक्चुअली में दिखने में है कैसी, और उसके बाद हम लेंगे इस बाइक की टेस्ट ड्राइव। और अगर टेस्ट ड्राइव मुझे अच्छी लगी और हो गया ना, अब मुझे यही बाइक लेनी, देन वी विल गो फॉर लियांचिनो 500। तो उससे पहले एक बार बाइक का जो वॉक अराउंड है आपको करा देता हूँ, और इसके जो स्पेक्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम करेंगे इस बाइक की टेस्ट ड्राइव, और फिर हम आपको बताते हैं कि इस बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो फटाफट से कर देते हैं वॉक अराउंड, और उसके बाद करते हैं टेस्ट ड्राइव। ये जो बाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं वो लियांचिनो 500 का BS4 मॉडल है। एक्चुअली इस बाइक की मैंने ऑनलाइन टेस्ट ड्राइव बुक करी थी, लेकिन जब हम यहाँ शोरूम पर आए तो इनके पास BS6 मॉडल अवेलेबल नहीं है, और द शोरूम पर्सन कन्विंस मी कि BS4 और BS6 मॉडल में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, सो आई थॉट कि एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली जाए। सो ये देख सकते हैं कि BS4 मॉडल और BS6 मॉडल दिखने में एग्जैक्टली सेम है, और इसकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बाइक के फ्रंट में जो है इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल लॉयन बेजिंग दी है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम फील आपकी बाइक को देती है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बाइक की जो फ्रंट और रियर एलॉय जो है वो 17 इंच के एलॉय में मिलते हैं, और इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो हमें मिलता है 320mm ट्विन डिस्क, और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो हमें मिलता है 55mm USD, और इस बाइक का जो इंजन है वो लिक्विड कूल इंजन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी फ्रंट लाइट है वो हमें मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED DRL, और इसके जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो भी LED इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं। और अब चलते हैं बाइक के इंजन की तरफ, और ये जो बाइक है इसका इंजन है 500cc का, और इसका जो पावर आउटपुट है वो है 47.5 PS, और ये जो टॉर्क हमें देती है वो है 46 Nm, और अगेन ये है इसके 17 इंच के अलॉय। और अगर हम बात करें इसके रियर डिस्क की, तो इसका जो रियर डिस्क है वो हमें मिलता है 260mm का, और इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी हमें मिलता है ट्विन एग्जॉस्ट, जो काफ़ी अच्छा साउंड जो है हमें देता है। और हालांकि बेनेली जो है इसके साउंड के लिए ही जानी जाती है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें मिलता है 160mm का, और कुछ इस तरीके की जो बाइक है ये हमें दिखती है। और अब हम बात कर लेते हैं बाइक की सीट की, जो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी कम्फर्टेबल है राइडर के हिसाब से, और हालांकि पिलियन के लिए थोड़ी सीट छोटी है, स्पेस कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम्फर्टेबल जो है ये सीटिंग पोस्चर हमें देती है। और इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 207 kg, और ये है इस बाइक का कुछ ओवरऑल लुक जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की जो हमारी बाइक है लियांचिनो 500 वो दिखती है। और इस बाइक की हर तरफ जो है ब्रांड की ब्रांडिंग दी गई है, और इसका जो इंजन है उस पर भी ब्रांडिंग दी गई है, और इसका जो टैंक है इसके ऊपर भी बेनेली की ब्रांडिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं, जो काफ़ी प्रीमियम आपकी बाइक को बनाती है। अभी बात कर लेते हैं इसकी टैंक कैपेसिटी की, तो इसकी टैंक कैपेसिटी है 12.7 लीटर, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये जो है इसके एडजस्टेबल लीवर्स हैं, और इस तरीके के कुछ हैंडल्स इस बाइक के हमें मिलते हैं, आप देख सकते हैं। और ये है इसका लो बीम हाई बीम, ये है इसके इंडिकेटर्स, और ये है इसका मैनुअल ABS, जो मुझे इस बाइक की सबसे अच्छी बात लगी, इस स्विच को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो ABS है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। और ये है इसका क्विक स्विच, और ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, और ये है इसके हैजार्ड लैंप, और कुछ इस तरीके का बाइक का जो फ्रंट लुक है वो आपको दिखता है। और अगेन ये हैं इसके मैसिव टायर्स जो काफ़ी थिक हैं। अब कर लेते हैं इस बाइक की टेस्ट ड्राइव कि बाइक चलने में कैसी है, और फिर मैं आपको बताता हूँ मुझे इस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा लगा। बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस की तो ओके, तो इस बाइक का जो इनिशियल पिकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी स्मूथ ये बाइक चलती है, और बाइक के इनिशियल पिकअप में आप फील कर सकते हो 500cc की बाइक जो है कैसा पावर हमें देने वाली है और किस प्रकार का राइडिंग एक्सपीरियंस हमें देने वाली है। और हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो BS6 वेरियंट है वो चलने में इससे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो नए इंजन के साथ हमें मिलता है, लेकिन ये BS4 वेरियंट है वो भी चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है।
और हालांकि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी थोड़ी स्टीफ है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टीफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टीफ मुझे लगा है। और ऑल ओवर में बात करूँ राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम ट्राई कर लेते हैं इसका जो सस्पेंशन है और ब्रेकिंग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर जो है एक जंप आने वाला है। ओके, तो इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सस्पेंशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और क्योंकि ये स्क्रैम्बलर बाइक है और उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा एक्सपीरियंस हमें देती है। और ये जो बाइक है बहुत ही आई कैची है क्योंकि ये दिखने में भी थोड़ी यूनिक सी और अच्छी बाइक है। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हालांकि बेनेली 600 आई जो है वो स्पेशली इसके एग्जॉस्ट के लिए ही जानी जाती है। ये जो इसका एग्जॉस्ट है उतना लाउड नहीं है जितना कि बेनेली 600 आई का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाउड है और थोड़ी सी यूनिक जो है इसका साउंड है, इस वजह से लोगों का ध्यान जो है ये अट्रैक्ट करती है। चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये बाइक लगती है। और इससे पहले जो बाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ KTM RC 200, उसका सीटिंग पोस्चर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है और काफ़ी क्रूज़र बाइक का फील हमें देता है। इस बाइक को लेकर के मैं लंबी राइड्स भी कर सकूँगा ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, इस बाइक को लेने का मूड बनता है या नहीं बनता है, लेकिन अभी की जो बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ये बाइक चलने में है और काफ़ी अच्छा पावर है इस बाइक के अंदर। और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम और जो इसका जो पिकअप है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। लेट्स सी अब देखते हैं कि आगे इस बाइक को लेना है नहीं लेना है। तो यही था बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस। और ओके, तो अब चलते हैं वापस शोरूम की तरफ क्योंकि हमारी जो टेस्ट ड्राइव थी वो पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं वापस शोरूम की तरफ और अब डिसाइड करते हैं ये बाइक मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और बाइक जो है आपको कैसी लगी है। फटाफट से चलते हैं शोरूम पे और इस बाइक को वापस दे देते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो ये हमने ले ली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और गाड़ी का राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और फर्स्ट इंप्रेशन कहूँ तो बहुत ही अच्छा है। अब शायद मुझे लग रहा है कि इस बाइक को लेने का मूड मुझे बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, एक बार डुकाटी स्क्रैम्बलर की भी टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं उसके बाद हम लेंगे। और आप मुझे बताना कि बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा लगा, बाइक दिखने में कैसी है और ओवरऑल जो लुक्स है और ओवरऑल जो फील है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी एक बार मुझे बता दीजिएगा। और अगर बाइक अच्छी लगी है तो कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।